क्या है दोस्तों आपका, मेरा नाम विकास सोनी है और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस YouTube चैनल पे। तो जैसे कि आज की वीडियो में आप देख पा रहे हो, ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स के बारे में। तो जी हाँ, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि क्लास ट्वेल्थ की जो फिजिक्स का टर्म वन और टर्म टू का सिलेबस क्या है। टर्म वन के एग्जाम जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ने हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हो कि आपका जो क्लास ट्वेल्थ CBSE ने जो भी लेटेस्ट रिसेंट आपका नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें जो टर्म वन की जो थ्योरी का एग्ज़ाम है, उसके जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट यूनिट रहता है आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें NCERT के दो चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर टू, तो ये आपके हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर आपका जो थ्री यूनिट नंबर टू से रहता है, यानी ये तीनों का टोटल मार्किंग की बात करें तो 17 नंबर का काम आएगा इससे। एंड उसके अलावा आपका यूनिट नंबर थ्री यूनिट नंबर फोर यानी चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 अगर आप ज़रा देखें तो कंटिन्यूसली आपका चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 यानी आपकी जो NCERT की बुक के पहले 7 चैप्टर हैं, वो 7ों के 7ों आपको फर्स्ट टर्म के एग्जाम में मिलेंगे, यानी आपको इससे पढ़ना होगा, ठीक है। और अगर डिटेल सिलेबस की बात करें तो आप डिटेल सिलेबस भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा। अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें तो आपको पता होगा फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसकी अगर हम बात करें तो टॉपिक ऑलमोस्ट वही है जो पहले पढ़ते आ रहे हो। इलेक्ट्रिक चार्जेस का कंसेप्ट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में आप इसको पढ़ते हो। कूलम्स लॉ के रिलेटेड जो पहले भी होता था आपका, कोई ज़्यादा अपडेट नहीं है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है इसके अंदर, वही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन आपका, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लीनियर चार्ज डेंसिटी सरफेस, ये सारी चीज़ें। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट आपका पहले की तरह, ठीक है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, फील्ड लाइन्स का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक डायपोल का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायपोल की वजह से किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं वो सारा है। क्या होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम डायपोल को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंसेप्ट, स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम यानी हमें इसमें प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट पढ़नी है गॉस थ्योरम की। एंड उसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो आपको शायद पता होगा लास्ट टाइम भी CBSE ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया था, तो शायद ये भी रिड्यूस्ड सिलेबस का ही पार्ट है, तो इसके अंदर भी वो चीज़ें नहीं पढ़नी जो पिछले साल काटी गई थी। तो अगर आप देखें जरा यहाँ दे रखा है आपको स्पेशली कि एप्लीकेशन टू फाइंड, सिर्फ और सिर्फ हमें कौन कौन सी एप्लीकेशन करनी है, देखो ड्यू टू इन्फानाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर एक ही एप्लीकेशन करनी है, और दूसरा है यूनिफॉर्म चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये वाली यानी आपको कौन कौन सा नहीं करना है, समझ चुके होंगे, जो स्फेरिकल शेल वाला या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाला था वो हमें नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। फिर अगर हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर चलते हैं तो ये भी फर्स्ट यूनिट का ही आपका पार्ट है, चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चैप्टर, तो इसके अंदर भी मेनली लगभग सारा ही है, इसमें से कोई ज्यादा कुछ कटा नहीं था। पोटेंशियल का आपका कांसेप्ट है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वजह से, डायपोल की वजह से, इवन अगर आपके पास मल्टीपल चार्जेस हो उनकी वजह से, इक्विपोटेंशियल सरफेस एज यूजुअल जो पहले पढ़ते थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट आपका, दो चार्जेस के लिए और डायपोल को अगर हम फील्ड में रखें तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है उसका कंसेप्ट, ठीक है। कंडक्टर्स इंसुलेटर्स क्या होते हैं, फ्री चार्जेस बाउंड चार्जेस, बेसिक बेसिक से डेफिनेशन है, पहले भी पढ़ते थे अभी पढ़ना है। डायलेक्ट्रिक्स का कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होता है, कैपेसिटर का कंसेप्ट, उसका कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हम कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं सीरीज में और पैरेलल में क्या होता है, कम्बिनेशन से क्या रिजल्ट आता है, इवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एक्सप्रेशन विद एंड विदाउट स्लैब्स डायलेक्ट्रिक मेटेरियल्स के साथ एंड पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, यानी ये चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सारा का सारा पोर्शन है, कुछ ज़्यादा नहीं कटा। हाँ, पहले हमारे यूनिट के अंदर आपको पता होगा, पहले यूनिट के पहले चैप्टर के अंदर जो हमारा कैपेसिटेंस वाला था उसके अंदर चीज़ें काटी गई थी, इसमें से कुछ नहीं कटा। फिर अगर हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 में, यूनिट नंबर 2 हमारा आप देख पा रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी का है, और इसके अंदर आपकी अगर NCERT बुक की बात करूं तो चैप्टर नंबर 3 की बात हो रही है यहां पर, तो इसके अंदर देखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, उसमें भी वही चीज़ें पढ़नी है जो आपको पिछले साल पढ़नी थी, यानी आप नहीं पढ़ रहे थे, आपसे जो सीनियर थे उन्होंने जो पढ़ा था रिड्यूस्ड 30% सिलेबस वाला, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट पढ़ना है आपको, चार्जेस का कंसेप्ट पढ़ना है यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा, मोबिलिटी का आएगा, इनकी करंट के साथ रिलेशन आएगी, ओम्स लॉ का कंसेप्ट आपने पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पढ़ना है, वीई कैरेक्टरिस्टिक्स यानी ग्राफ्स की बात करेंगे पोटेंशियल और करंट के बीच में, यहीं से कंसेप्ट आता है लीनियर और नॉन लीनियर डिवाइसेस का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंसेप्ट, पावर का कंसेप्ट, रेजिस्टिविटी का कंसेप्ट, कंडक्टिविटी, टेम्परेचर डिपेंडेंस रेजिस्टेंस की, इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट पढ़ना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है, EMF पढ़ना है। और अगर आप देखो यहाँ पर कहीं पर भी आपको रेजिस्टेंस के कम्बिनेशन का नहीं दे रखा पैरेलल सीरीज का, क्योंकि लास्ट टाइम वो चीज़ नहीं पढ़नी थी तो अब भी नहीं पढ़नी है, क्योंकि बोर्ड सोचते हैं कि आपने वो 10th क्लास में पढ़ी है तो आपको वो चीज़ नहीं करनी,
किसका, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का, पैरेलल एंड सीरीज वाला। इसके अलावा सेल का कम्बिनेशन आपने पढ़ना है इस चैप्टर में, सीरीज में एंड पैरेलल में बोथ। किरचॉफ के जो लॉज पहले पढ़ते थे उसकी एप्लीकेशन, किरचॉफ रूल की यूज, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट पहले था अभी पढ़ना है। मीटर ब्रिज देखिए क्वालिटिव आइडियाज ओनली, यानी इससे आपको न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा, आपको मीटर ब्रिज की सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना है। ऐसे ही पोटेंशियोमीटर आपको पढ़ना है, इसमें पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है, इसके यूजेस क्या है, कैसे इसका यूज़ किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, या फिर दो सेल की ईएमएफ को कंपेयर करना, या किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। एंड अगेन क्वालिटेटिव आइडियाज़ पिछले साल स्पेशली मैंने वीडियो बना के बताया था, अब भी सुन लीजिए, यानी इससे आपको न्यूमेरिकली कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको थ्योरेटिकली इन एप्लीकेशंस को पढ़ना है, इनको कैसे यूज़ किया जाता है इस तरह से, यानी क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा। और आपको जैसा कि सीबीएसई ने अपडेट करके बताया हुआ है कि आपके क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस रहने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे हमारी यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म का, जिसमें चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 आ जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर भी ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें ही हैं, कुछ ज़्यादा नहीं कटी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अगेन मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, ओरस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, कैसे उसने करंट से बताया कि मैग्नेटिज्म होते हैं, बायोसॉर्ट्स लॉ, चूँकि इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसके यूजेस, कैसे हम इसकी हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ यानी एम्पियर लॉ, उसकी एप्लीकेशन, और कौन कौन से देखना, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का, ठीक है, टोरॉइड की वजह से, सोलेनोइड की वजह से। और देखिए अगर देखिए यहाँ पर स्पेशली दे रखा है ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट आपको इससे जुड़े सोलेनोइड और टोरॉइड से रिलेटेड कोई मैथमेटिकल चीज़ें, मैथमेटिकल इन टर्म मतलब न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होगा इससे, आपको सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी करनी है इसकी, ठीक है। फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज पर फोर्स लगता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब वो जाता है, उसका आपको एक्सप्रेशंस और वगैरह सब कुछ पढ़ना है, और इवन इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उस पर फोर्स लगता है वो पढ़ना है आपको, पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर जब उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स या करंट कैरिंग कंडक्टर्स, दो पैरेलल रखी हूँ उनमें, यहीं से डेफिनेशन आती है एम्पियर की, वो भी देखना है, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप ये भी बिल्कुल पढ़ना है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर चैप्टर का सबसे ज़्यादा जरूरी पॉइंट ये भी करना है, इसकी सेंसिटिविटी, इसका कन्वर्जन वोल्टमीटर एमीटर में। और अगर आप जरा ध्यान दें तो यहाँ पर आपको साइक्लोट्रॉन नहीं दे रखा, तो साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है, यानी इस सेशन में आपसे साइक्लोट्रॉन का नहीं पूछा जाएगा, तो मैं बता रहा हूँ बुक के अंदर आप देखोगे तो आपको साइक्लोट्रॉन टॉपिक मिलेगा, लेकिन वो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट ईयर आपका रिड्यूस कर दिया गया था, तो जो जो चीज़ें लास्ट टाइम काट दी गई थी तो वो बिल्कुल हमें नहीं करनी, तो यानी रिड्यूस 30% हटा के जो 70% बचता है उसी को पढ़ना है तुमने। फिर चैप्टर नंबर अगर हम 5 की बात करते हैं तो चैप्टर नंबर 5 में तुम देख सकते हो, ठीक है, अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर हमारा जो चैप्टर नंबर 5 आता है, तो उसके अंदर करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, कैसे करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है वो पढ़ना है आपको, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का कंसेप्ट पढ़ना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ड्यू टू अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन बोहर मैग्नेटन का कंसेप्ट आता है, ये भी है हमारे सिलेबस का पार्ट, बार मैग्नेट कैसे सोलेनोइड की तरह बिहेव करती है ये भी पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स यानी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की। और अगर मैं तुम्हें बताऊं इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा चीज़ कटी है वो आपका था मैग्नेटिक मटेरियल्स, जिसमें आप क्लासिफिकेशन करते थे पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ने, यानी ये चैप्टर आपका ऑलमोस्ट आधा रह चुका है, यानी अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो उसके अंदर तो पूरा चैप्टर मिलेगा, लेकिन ये वाला सिर्फ आधा पोर्शन है, बहुत कुछ कटा हुआ है इस चैप्टर से, तो आपने यही सिर्फ सिलेक्टिव टॉपिक्स ही करने हैं, ये ध्यान रखना है। फिर चलते हैं हमारा यूनिट नंबर 4, लास्ट यूनिट है जो टर्म 1 के लिए, उसके अंदर आपको पता ही होगा हमारा चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7 आते हैं। चैप्टर नंबर 6 ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें ये बेसिक आइडियाज होता क्या है, फेराडेज ने जो लॉज दिए थे, फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, इंड्यूस्ड ईएमएफ का कंसेप्ट पढ़ना है हमें, ठीक है, इनका करंट के साथ रिलेशन है, लेंज लॉ पढ़ना है, एडी करंट का कंसेप्ट पढ़ना है, सेल्फ म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ना है। हालांकि इंड्यूस्ड ईएमएफ के अंदर काफ़ी सारी एक्सप्रेशन आ जाती हैं, आपको बताऊँ एक वायर एक रोड को घुमाना हो, रोड को मूव करना हो, ठीक है, ऐसे डिस्क वाला, वो सारी चीज़ें इतनी नहीं है करने वाली आपके लिए, यानी सेलेक्टिव टॉपिक्स ही है, उसमें से कुछ ज़्यादा भी नहीं कटा हुआ, ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही है।
फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो हमारा अल्टरनेटिंग करंट का कंसेप्ट है, पीक एंड आरएमएस वैल्यूज क्या होती है, एसी करंट की, वोल्टेज की, रिएक्टेंस का कंसेप्ट है, इंपेडेंस का कंसेप्ट है, एलसी ऑसिलेशंस है, सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, यानी आपको सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट पढ़ने हैं, अगेन यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आएगा इसमें से। एलसीआर सर्किट है डिटेल में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी खासकर सीरीज वाला है हमारे सिलेबस में, ध्यान रखना। रेजोनेंस का कंसेप्ट है, अल्टरनेटिंग सर्किट की पावर्स कैलकुलेट करते हैं, एसी जनरेटर है हमारे सिलेबस में, ट्रांसफॉर्मर भी है। इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक है वॉटलेस करंट नाम से, अगर आप तुम बुक में देखते हो वॉटलेस करंट, वो नहीं पढ़ना हमें, ठीक है ना, वॉटलेस करंट नाम से बुक में आपको दिया हो सकता है, ठीक है ना, वो नहीं करना आपको। इसके अलावा और भी दो तीन छोटे छोटे टॉपिक्स हैं लास्ट में, अगर आप देखोगे तो वो नहीं करने, यानी ये जो सिलेक्टिव है यही करने। तो ये था आपका फर्स्ट टर्म का जो आपको सीबीएसई ने कहा है, ठीक है। चैप्टर वाइज आपको मार्किंग मैंने दिखाई ही दी थी इनकी, आप देख पा रहे हो, है ना, तो टोटल 35 नंबर का बनता है अगर आप देखो इन सबको। चैप्टर नंबर हमारा जो 1 है देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 3 है, इन तीनों से आपका लगभग 17 नंबर का एग्जाम में पोर्शन पूछा जाएगा, और जो बाकी चैप्टर बचते हैं 4, 5, 6 और 7 इनमें से 18 नंबर का काम आपका आएगा, 35 नंबर। और आपकी डिटेल फॉर्मेट के बारे में अभी नहीं है, सीबीएसई जो है लेटेस्ट अभी कोई अपडेट नहीं उसके बारे में कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, किस तरह के क्वेश्चन होंगे, लेवल्स कौन का, जैसी अपडेट होगा वो भी आपको इसी चैनल पर मैं जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। आई थिंक सो आपको पता लग गया होगा कि कौन से चैप्टर में कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं पढ़नी। तो इसी तरह से बहुत सारे और अपडेट आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। तो अगर चैनल पे नहीं आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करना मत भूले। जय हिंद, जय भारत।